फीडर और ये सारी चीजें इसे स्क्विरल प्रूफ बनाने के लिए बनाई गई हैं। अगर बर्ड्स का खाना चाहिए तो उन्हें स्क्विरल्स के लिए बनाए गए इस 8-पार्ट निंजा वॉरियर ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना होगा। ये कोर्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कमजोर दिल वाले इन्हें ना ही करें, लेकिन एक बात है, इन स्क्विरल्स की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए था। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं 8 हफ्ते पहले, जब मैं अपने घर पर बैठे बैठे बोर होने लगा तो मैंने एक बर्ड फीडर लगाया ताकि मैं यहाँ से पंछियों को देख पाऊँ, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक ये नहीं आ टपके। मेरे बर्ड फीडर के इर्द गिर्द एक पिंजरा लगा था जिसमें पंछी तो आराम से घुस सकते हैं, लेकिन स्क्विरल्स का खाने के पास पहुंच पाना नामुमकिन है। पिंजरे ने काम तो किया था लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मेरे लिए ये जुरासिक पार्क के उस सीन की तरह था जहां उन्हें पता चला कि वेलोसिराप्टर्स दरवाजा खोल सकते हैं। दरवाजा खुलने पर ये साफ था इन्हें रोकना मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। उन्होंने तो पंछियों का खाना वहां से एक ही दिन में साफ कर दिया। और हाँ, मुझे कहा गया था कि ये बर्ड फीडर स्क्विरल प्रूफ है, तो मैंने इसकी जगह एक और स्क्विरल प्रूफ बर्ड फीडर मंगाया। यहाँ बाहर एक पिंजरा है जिसके ऊपर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो अगर यहाँ कोई पंछी आकर बैठे जिनका वजन कम होता है इसलिए वो खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्क्विरल आए और पिंजरे पर वजन डाले तो उससे ये पिंजरा नीचे आ जाएगा और वो चिड़िया के खाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं कि स्क्विरल इसमें से खाना कैसे चुरा पाएंगे, आइए देखते हैं। लेकिन इसने अपना काम बखूबी किया, पंछियों को तो ये पसंद आया, लेकिन किसी स्क्विरल के आने पर पिंजरा नीचे आकर खाने तक पहुंचने के रास्ते को ढक देता है। उन्होंने कई कोशिशें की लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकाम रही। लेकिन फिर अगली सुबह इस स्क्विरल ने पिंजरे से जुड़े उस स्प्रिंग को ही अलग कर दिया, मतलब अब वो पिंजरा नीचे है जिससे खाने तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि अब वो ढक्कन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन स्क्विरल्स के लिए इस बर्ड फीडर के ढक्कन को खोलना नामुमकिन है। तो भाई साहब ने दूसरा तरीका आजमाया और अब उसके पास है भरपेट खाना। तो मैंने तय किया कि मैं एक और बर्ड फीडर डिजाइन आजमाऊंगा। ओके, वाव, ये तो इसने पक्का जानबूझकर किया है। इसे जरूर काम करना चाहिए क्योंकि इस पर ये टोपी है जिसका काम है स्क्विरल्स को ऊपर से इसके अंदर पहुंचने से रोकना, लेकिन खासकर इसका ढक्कन बाकियों की तरह नहीं खुलता। चलो देखें, इसने शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम किया। उसे पैरों के बल लटकता देखकर मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि मैं इन्हें कितना ज्यादा हल्के में ले रहा था। देखने पर लग रहा था कि उन्हें भी वो बर्ड फीडर पसंद है। ओके, देखो मुझे जलाने की कोशिश मत करो। अब इस समय मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार उसे फेंस से दूर रखकर कोशिश करूं। लेकिन ऑफ कोर्स वो लोग इससे नहीं रुके और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका मेटल का पोल बड़ा हो या छोटा, उनके लिए ऊपर चढ़ना बाएं हाथ का खेल है। और अगर वो किसी कारण ऊपर न चढ़ सके तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखिए इन्हें, बस देखिए। सच कहूं तो ये स्क्विरल्स किसी छोटे साइज के निंजा से कम नहीं है। मुझे ठीक वैसे ही लगा जब किसी ने मेरे दरवाजे पर रखा एक पैकेट चुरा लिया जो उनका नहीं था, और मैंने उनसे बदला लेने के लिए 1 साल मेहनत करके ग्लिटर बॉम्ब बेट पैकेज बनाया। हेलो। जो स्पेशल बदबू छोड़ता है। अगर मैं चोरों को रोकने के लिए एक पैकेज बना सकता हूँ तो क्या स्क्विरल्स को रोकने के लिए एक बर्ड फीडर नहीं बना सकता? तो अगले कुछ हफ्ते अपने दोस्त जॉन के साथ डिजाइनिंग और निर्माण में दिमाग लगाया और आपके लिए एक 20 सेकंड का मॉन्टाज बनाया। आइए अब हम इसे देखते हैं। पहले तो ये रहा उनका फेवरेट बर्ड फीडर। कोर्स के एकदम आखिर में, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इसके नीचे एक ट्रैप भी लगाया है। अगर यहाँ पर पांव रखा तो इसमें से निकलेंगे बहुत सारे अखरोट और जीत का जश्न मनाने के लिए बैनर्स। लेकिन अखरोट क्यों? अच्छा सवाल है। अखरोट इसलिए क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैंने उनके लिए एक बफे तैयार किया जिसमें 7 अलग अलग चीजें थी, और यही एक्सपेरिमेंट 4 बार दोहराने पर भी स्क्विरल्स ने अखरोट ही चुने। इसे ऊपर रखने का फायदा ये है कि वो दोनों झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि पंछी यहाँ ऊपर आकर बिना किसी परेशानी के आराम से खाना खा सकते हैं। लेकिन स्क्विरल्स को खाने के लिए मेहनत लगेगी क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता है, मेरे बनाए गए निंजा वॉरियर ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना, जो शुरू होता है यहाँ से। ये यहाँ पर इकलौता पोल है जिसकी सतह बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं फिसलती, यानी कि यहाँ से ऊपर चढ़ने पर कोर्स शुरू होगा। कहीं और से चढ़ने की कोशिश की तो फिसलन के कारण वो नीचे आ जाएंगे। पहला चैलेंज है ये लटकती हुई सीढ़ियाँ।
यह दिखने में तो आसान है, लेकिन ये दोनों तरफ से सिर्फ एक ही पॉइंट पर जुड़ा है। और अगर फिजिक्स की बात करें तो इस पर चलना किसी रस्सी पर चलने के बराबर होगा। इसके पीछे भी वही कारण है जो उस कार्निवल गेम को इतना मुश्किल बनाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये समझाया है कि कौन से कार्निवल गेम्स आपको कैसे ठगते हैं और उन्हें जीतने के तरीके। अगला पड़ाव स्क्विरल्स के लिए भूल भुलैया। इसमें उनका दिमाग टेस्ट होगा। इसे पार करने पर अगला है घूमते हुए रूलर्स। इसका आइडिया मुझे वाइपआउट से मिला, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि इनसे स्क्विरल्स को कोई हानि नहीं पहुंचेगी और हल्के से दबाव से भी वो घूमना बंद करके रुक जाएंगे। और जब एक बार वो घूमते हुए रूलर्स को पार कर लें, मैं उनकी मुलाकात करवाऊंगा एक हसीना से। मैंने इसे यहाँ रखा है ताकि स्क्विरल्स का दिमाग चक्कर खाकर अपने लक्ष्य से हटे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक प्रेशर सेंसर है जो जुड़ा है एक माइक्रो कंट्रोलर से, जिसमें है एक रिले जो जुड़ा है एक सोलेनोइड से, जो जुड़ा है न्यूमेटिक पिस्टन से, और आखिर में वापस उसी प्लेटफॉर्म से। अगर यहाँ 3 सेकंड ज्यादा देर तक रुके तो फिर पूरे कोर्स को शुरू से करना होगा। अगला पड़ाव है स्लिंकिट से बना ये ब्रिज। मैंने इसके ठीक बीचों बीच एक अखरोट को रखा है, लेकिन ये ब्रिज उनका वजन सह नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि स्क्विरल्स क्या करेंगे। 6th चैलेंज का नाम है टूरिस्ट ट्रैप। असल में ये उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए एक इनाम है। अगर वो मेरी वाइफ के बनाए इस बोर्ड के बीच अपना सर डालें, तो वो अपनी तस्वीर खिंचवा कर उसे अपने घर पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक अखरोट रखता हूँ ताकि ये मौका उनके हाथ से फिसल ना पाए। अगला चैलेंज है ये 3 प्लेटफॉर्म्स जिन्हें ऊंचाई पर रखा गया है। इसकी इंस्पिरेशन मिली है निंजा वॉरियर से, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत चिकने हैं और इन्हें 45 डिग्री पर रखा गया है। अब आते हैं आखिरी चैलेंज पर। स्क्विरल्स और उनके खाने के बीच बस कुछ ही फीट की दूरी बची है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो सारी मेहनत पानी के अंदर डूब जाएगी। यानी कि शुरुआत से शुरू करना, यानी कि उन स्क्विरल्स को फेंका जाएगा ऊपर हवा में, जिसका मतलब है उन्हें वापस पीछे जाकर कोर्स को शुरू से करना पड़ेगा। अगर वो बचना चाहते हैं तो बस 3 सेकंड से ज्यादा यहाँ रुकना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक डिवर्जन रखा है। ये इसके अंदर रखे किसी भी चीज का एक ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोजेक्ट करता है। ये काफी ज्यादा ट्रिपी है और सामने से तो और भी कमाल का दिखता है, क्योंकि ये 3D प्रोजेक्शन है। ये अमेज़न पर $9 का है और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जो आपको समझाएगा कि ये काम कैसे करता है। अब करते हैं सेफ्टी की बातें। मैं जानता हूँ मेरे चैनल पर काफी तोड़फोड़ होती रहती है, तो आप में से कुछ लोगों को इस वक्त चिंता हो रही होगी। मेरी वाइफ को भी थी। यहाँ पर 5 पेट्स हैं और एक बच्चा है। वैसे वो एक बच्चा 5 के बराबर है, तो बिल्कुल मत घबराइए। पिस्टन का प्रेशर एडजस्ट हो सकता है, तो हम प्रेशर उतना ही रखेंगे जिससे हमारे प्यारे से स्क्विरल कंटेस्टेंट्स को कोई चोट ना पहुंचे। और फिर फाइनली ये सब पार करने पर हम वापस आते हैं दुनिया के सबसे कमाल के बर्ड फीडर पर। अगर मुझसे पूछे तो यहाँ पहुँचने वाला हकदार होगा चिड़ियों के साथ बैठकर खाने के मजे लूटने का। तो करीब 1 महीने की मेहनत के बाद ऑब्स्टिकल कोर्स टेस्ट करने के लिए तैयार था। वो लोग आखिर में रखे अखरोटों को सूंघ पा रहे थे और वो लोग ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि इतना सारा खाना यहाँ किसने रखा। और जल्दी हमें हमारा पहला कंटेस्टेंट मिला। जैसा इसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसलिए रिक वापस लौट गया। हाँ, इस वाले का नाम रिक है। कुल 4 प्रतियोगी हैं जो कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला है रिक, जिसका वजन है 500 ग्राम। ये मुझे पता चला मेरी बनाई गई इस वेइंग मशीन से। रिक बहुत समझदार है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन वो आसानी से डर भी जाता है। अगला है माटी, जो की हूबहू रिक की तरह ही है। ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। हमारा तीसरा प्रतियोगी है फ्रैंक, जिसका वजन भी 500 ग्राम ही है। ये बहुत जांबाज है और थोड़ा सा बुद्धू भी है। और फाइनली मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट फैटगस। ये बहुत ही प्यारा है और कैमरे को देखते ही पोज मारता है, और उसे खाने से बहुत प्यार है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसका वजन है 800 ग्राम। जहाँ बाकी के स्क्विरल्स ये सोचेंगे कि उन्हें खाने के लिए क्या उठाकर वहाँ से तुरंत भागना चाहिए, फैटगस बिना कुछ सोचे खाने पर टूट पड़ता है। दुनिया की सारी चिंताओं को साइड में रख के यहाँ ये पेट के बल लेटे लेटे खाने के मजे ले रहा है। मतलब आपको खाने के मजे लेना सीखना है तो फैटगस से सीखिए। अब जब आप सारे कंटेस्टेंट से मिल चुके हैं, चलिए वापस रिक के पास। रिक की दूसरी कोशिश पहली कोशिश से तो बेहतर थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी। जरा इसे देखिए, ये सोच रहा है ओके मैं कर सकता हूँ, जाने दो। अगर मैं कोशिश नहीं, मुझसे नहीं होगा।
और यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने इनको बहुत हल्के में लिया। मार्टी रिक को देख रहा था और थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसने रिक का पैंतरा आजमाने का तय किया। ओह, सो क्लोज। लेकिन खुद को संभाल लिया और फैट गस भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। अब हम आते हैं स्क्विरल्स के लिए बनी भूल भुलैया में, जिसे पार करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। यहां आप देख सकते हैं फैट गस की रफ्तार। अब हम आते हैं घूमते हुए रोलर्स पर। मार्टी ने यह देखा और डर कर पीछे हट गया। फैट गस ने सोचा, मुझे नहीं मरना। और फैंक ने कहा, नोप। फिर वो वापस आया और फिर चला गया। फिर मार्टी ऊपर तेजी से भागते हुए आया। उसने उसे पार तो नहीं किया, लेकिन कम से कम वो आगे तो बढ़ा। और ये रहा फैट गस मेरे आज के सबसे मनपसंद क्लिप में। फिर फ्रैंक ने निडर होके इन दोनों बाधाओं को खूबसूरती के साथ पार किया। और फिर हमारा स्मार्टी रिक बड़े आराम से इन बाधाओं को पार करता है। और ये स्क्विरल्स सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव थीं। तो हर सुबह मैं सूरज उगने से पहले उठकर घर बैठे बैठे इन्हें फिल्म करता था, जैसे जंगलों में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर करते हैं, लेकिन बस इस शहर के बीच रहकर। मेरे पास स्ट्रीमिंग कैमरास भी थे जो 24/7 चालू रहते, जिसके जरिए मैंने कई बातें जानी है, जैसे कि मेरा डॉग किसी काम का नहीं। हाँ, मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। अब चलते हैं हसीना के पास। आप देख सकते हैं रिक को इस गोल्ड डिगर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो प्लेटफॉर्म पर थोड़ी ही देर के लिए वजन रखता है। कहा था ना वो स्मार्ट है, लेकिन दूसरी ओर उसका ये दोस्त मार्टी। ये हसीना काफी जानलेवा है। और इसके पहले कि मेरी वाइफ मुझसे ये पूछे कि नहीं, इससे स्क्विरल्स को चोट नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो हल्की बिल्लियों की तरह है जो हमेशा पैरों के बल गिरती हैं, और तो और वो खुद इसी ऊंचाई से दिन भर कूद रहे थे, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। इनफैक्ट ये उन मैमल्स में से हैं जो किसी भी ऊंचाई से कूद कर बच सकते हैं, क्योंकि वो अपने गिरने की तेजी को काफी कम कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वो पूरे शरीर को चपटा कर देते हैं और पूंछ सीधी करके ड्रैग को बढ़ाते हैं। वो खुद को किसी पैराशूट की तरह फैला देते हैं और फिर गिरने से पहले वो अपने दोनों हाथों और पैरों को आगे फैलाकर किसी लैंडिंग गियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना ये कमाल के। तो चलिए चलते हैं कोर्स की तरफ, जहां स्मार्टी रिक ने हसीना के साथ आंखें लड़ाई और उसके झांसे में फंस गया। लेकिन बाकी सभी ऑब्स्टिकल्स की तरह ही वो कुछ ही दिनों में इसमें भी माहिर हो गए। इस केस में तो उसके हाथ में रखे अखरोट को भी नजरअंदाज कर दिया। अब हम आते हैं स्लिंकी से बने हुए ब्रिज पर, और मेरे हिसाब से ये सबसे आसान बाधा थी। ये गैप इतना बड़ा नहीं है, वो लोग कूद क्यों नहीं रहे? शायद से स्लिंकी रखने की वजह से वो लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए यहाँ पर फ्रैंक कूदने से पहले कितना ज्यादा सोच विचार कर रहा है, और रिक भी तभी कूदता है जब मार्टी वहां आकर उसे चीयर करता है। और बाकी सभी ऑब्स्टिकल्स की तरह ही वो कुछ दिनों में इसमें भी मास्टर हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे 7th ऑब्स्टिकल पर, द टूरिस्ट ट्रैप। और मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। थोड़े से पीनट बटर के साथ क्या क्या नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा फैट गस, और जरा इसकी इन हरकतों को तो देखो। इसने कैमरे को देखा और कहा, ये पोज कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? क्या नहीं तो पसंद नहीं आया? ठीक है। ये रहा उसका एक और फनी क्लिप, जहां वो कैमरा पर देख कर, रुको एक सेकंड, रिवाइंड करना, बस रोक दो, जूम, इनहांस। तो मैंने अभी अभी ये जाना कि वो लड़का नहीं है और वो प्रेग्नेंट है। अब मुझे ये सोच के बुरा लग रहा है कि मैंने उसके वजन को लेकर क्या क्या नहीं कहा। तो अब यहां पर कुछ जरूरी बदलाव लाने के बाद चलिए चलते हैं उन 3 ऊंचे प्लेटफॉर्म्स की तरफ। फ्रैंक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया, लेकिन आते ही डगमगा गया, लेकिन उसने खुद को गिरने से बचा लिया। तो हर बार की तरह उन्होंने ये भी जल्दी सीख लिया। इनफैक्ट अगली सुबह मैंने देखा कि मार्टी ने तीसरे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह स्किप कर दिया। मेरे तो होश ही उड़ गए। और फिर मैंने जाकर बीच वाला प्लेटफॉर्म ही हटा दिया और सबसे पहले इसे पार किया फैंटास्टिक गस ने। चलिए इसे स्लो मोशन में देखते हैं। ये लोग कमाल के जंपर्स हैं, तो मैं इस बात से हैरान नहीं हूं कि वो इसे पार कर पाए। ये जंप करीबन 10 फुट लंबा है। रहे हमारे बहादुर लेकिन थोड़े से बुद्धू फ्रैंक, वो पहले भी करीबन दर्जनों बार कोर्स को पूरा करके हसीना तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये 12 फुट लंबी छलांग लगाना बेहतर होगा।
स्मार्टी रिक पहला प्रतियोगी था जो कोर्स के आखिर तक पहुंचा, तो जाहिर है इस कोर्स को सबसे पहले खत्म करने वाला भी सबसे पहले वही होगा। और वो खुशी के मारे पूरे कोर्स को उल्टा पार करने लगा। वैसे हमें भी जैकपॉट की आवाज जरा धीमी रखनी चाहिए थी। और देखते ही देखते मार्टी भी यहां तक आ पहुंचा। हम जानते हैं कि वो बहुत आसानी से डर जाता है, लेकिन इस बार उसका घाटा हुआ, क्योंकि नीचे बैठे फैंटास्टिक गस के दिमाग में एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया। लेकिन मार्टी तुरंत वापस आकर बोला, ये सारी मेहनत मैंने की है। फिर फैंटास्टिक गस ने कहा, जिसे मिला उसी का हुआ, समझे? वैसे एक बात कहूँ फैंटास्टिक गस, जब आप ऐसे बैठती हैं तो किसी एंगल से 700 ग्राम से ज्यादा नहीं लगती। जल्दी ही उन्हें पता चला कि वो आवाज अच्छी है और वो तुरंत पलटकर वापस आने लगे, इससे पहले कि फैंटास्टिक गस को पता चले। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका एक पूरा अटेम्प्ट। अब सारे स्क्विरल्स इस कोर्स को 40 सेकंड्स में पूरा कर सकते हैं। और ये देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि उस ऑप्टिकल इल्यूजन का क्या हुआ। मुझे अफसोस है वो मेरे इल्यूजन के जाल में ज्यादा फंसे नहीं, लेकिन मेरे पास दो क्लिप्स हैं जिन्हें मैं दिखा सकता हूँ। और अपनी वाइफ को किए वादे के अनुसार प्रेशर सिर्फ 40% पर था, तो वो स्क्विरल जो एक्सेलरेशन महसूस करेगा वो होगा 0.5G, जो आम रोलर कोस्टर से 10 गुना कम होता है। और तो और, मैंने ना ही हसीना वाला ट्रैप ऑन रखा और ना इल्यूजन वाला, जब तक मैं उन्हें अपने घर से एक्टिवली नहीं देख रहा था अपने मैनुअल ओवरराइड बटन के साथ। क्योंकि हालांकि ये सेफ था, मुझे फैंटास्टिक गस को हवा में उड़ाने का कोई शौक नहीं है। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ उससे शायद आप डर जाएं, लेकिन स्लो मो देखने पर अमेजिंगली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्क्विरल हवा में उछलने के बाद भी पूरी तरह नियंत्रण में थी। ऑलराइट, ये रहा दूसरा एंगल। और हाँ, अगर मेरे कैलकुलेशंस पर यकीन नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्क्विरल्स को कुछ नहीं हुआ। दोनों लॉन्च केसेस में वो 5 मिनट के अंदर वापस कोर्स पर लौट गईं। इस स्लोमो को देखिए और बताइए कि वो कौन सी दो चीजें हैं जिसके कारण वो सेफली लैंड करते हैं। क्या आपको देखा? उनके हवा में उछलने के तुरंत बाद वो अपने दिमाग में तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं कि उनकी लैंडिंग कहाँ होने वाली है, और अब उनका सिर उसी जगह पर टिका रहेगा उनके लैंडिंग करने तक। कमाल की बात तो यह है कि उन्हें लैंडिंग कैलकुलेट करने में और अपने सिर को टारगेट पर लॉक करने में सिर्फ 300 मिलीसेकंड्स लगते हैं। ये एग्जैक्टली इतना लंबा है किसी के पलक झपकने से भी छोटा। मेरे तो होश ही उड़ गए। लेकिन अगर सोचा जाए तो इनके रिफ्लेक्सेस का इतना तेज होना जाहिर है क्योंकि ये पेड़ों पर रहते हैं जहां एक गलत फैसला आपकी जान ले सकता है। सिर को टारगेट पर लॉक करने के साथ ही हाथों को भी हिलाना पड़ता है। जब उसे ऊपरी शरीर को घूमने से रोकना है तब हाथ बाहर होते हैं, और ऊपरी शरीर को घुमाने की जरूरत पड़ने पर वो हाथ अंदर लेता है और घूमना वापस रोकने के लिए फिर से फैला देता है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आइस स्केटर्स भी यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हाथ अंदर रखने पर आप तेज घूमोगे और बाहर फैलाने पर आप धीमा घूमोगे। मेरे दोस्त डेस्टिन फ्रॉम स्मार्ट एवरीडे ने एक वीडियो बनाया था ये जानने के लिए कि कैट्स लैंड कैसे करती हैं, और वो भी वही दो चीजें करती हैं, सिर को लॉक करना, हाथों को अंदर लेकर तेज घूमना और बाहर करके धीमा घूमना। ये रहा सेकंड क्लिप। आपको लग रहा होगा कि उसका नसीब अच्छा था, लेकिन स्लोमो हमें असलियत बताएगा। ठीक इतने समय में उसने अपने शरीर को सीधा करके लैंडिंग टारगेट के ऊपर अपना सिर लॉक कर दिया। पिछले क्लिप में हमें समझा वो शरीर को किसी भी ओरिएंटेशन में ला सकता है, लेकिन वो नहीं करता क्योंकि वो पहले से ही लैंडिंग के लिए बिल्कुल सही पोजीशन पर है। है ना ये कमाल का? और उन दो फिजिक्स डेमोंस्ट्रेशंस के बाद मैंने अपने दोनों ट्रैप्स को डिसेबल करके उन्हें शांति से कोर्स पर मजे करने के लिए छोड़ दिया। मेरे हिसाब से उन्हें इतना तो मिलना ही चाहिए। और एक महीने साथ रहने के बाद हमारे बीच दोस्ती हो गई थी। अगर मैं काम करने बाहर आता तो वो जरूर भाग जाते, लेकिन फिर तुरंत वापस भी आ जाते। अफसोस, हर अच्छी चीज का अंत जरूर होता है, और मैं ये नहीं चाहता था कि उन्हें आसानी से खाना मिल जाने की आदत लगे। कोर्स को एक हफ्ता रखने के बाद मैंने उसे निकाल दिया, लेकिन उसकी जगह पर मैंने एक खास स्क्विरल साइज पिकनिक टेबल रखा। हर सुबह ये कुछ अखरोटों को ट्रीट के तौर पर बाहर डालेगा, उन्हें हमारे बिताए गए पलों को याद दिलाने के लिए। और मेरी हंसी निकल गई क्योंकि इतना कुछ हो जाने पर भी मैंने नहीं सोचा था कि एक ही दिन में फ्रैंक उसे खोलने की कोशिश करेगा, और काफी हद तक उस सिस्टम को तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाएगा। और हर बार की तरह वो जल्द ही समझ गए, और कभी कभी मैं सुबह उठने पर उन्हें अखरोटों के गिरने का आराम से बैठकर इंतजार करते हुए पाऊंगा। लेकिन उनमें से एक को छोड़कर फैंटास्टिक गस, तुम कभी मत बदलना मेरे दोस्त। जब मैंने 2 महीने पहले ये एडवेंचर शुरू किया पंछियों को देखना, मैंने नहीं सोचा था कि स्क्विरल को देखने में उससे भी ज्यादा मजा आएगा। मैंने एक और बात जानी कि इन बिल्डिंगों, इमारतों और पावर लाइंस के बीच घर के बैकयार्ड में भी प्रकृति कितनी दिलचस्प हो सकती है, अगर आप बस जानने की कोशिश करें। मतलब पौधे भी कमाल के हैं। मुझे पता नहीं था कि पौधे बढ़ते वक्त किसी चीज को पकड़ने के लिए इतना हिलते हैं।
मैंने सोचा नहीं था कि जानवरों की इतनी सारी प्रजातियां फेंसेस को सड़कों की तरह इस्तेमाल करती है यहाँ वहाँ जाने के लिए उन पेड़ों की जगह जो यहाँ पहले हुआ करते थे। यहाँ तक कि छोटी घटनाएं भी, जैसे इस मकड़ी का अपनी जान बचाना नीचे अंधेरी झाड़ियों के बीच छलांग लगाकर। यही है असली जिंदगी का खेल। लेकिन अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि स्क्विरल्स मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं, और ये उन पैकेज उठाने वाले चोरों से तो बहुत ही अच्छे हैं। स्क्विरल्स बहुत ही प्यारे, काफी बुद्धिमान, क्यूरियस स्वभाव के एथलेटिक जीव हैं। पता है स्क्विरल्स की उम्र होती है करीब 20 साल। तो फिर सोचिए कि एक दिन फैंटास्टिक गस अपने पोते पोतियों को लेकर आएगी और उन्हें सुनाएगी काउबॉयज, साहस और खाने के खदान की कहानियों को।